प्रयागराज पुलिस ने आज माफिया अतीक अहमद की एक बेशकीमती जमीन को कुर्क कर लिया। 6 करोड़ की जमीन पर अतीक नदी किनारे अपना फार्म हाउस बनवाना चाहता था। अतीक की ये जमीन यमुना नदी से बिल्कुल सटी है। अतीक ने इसको दूसरे के नाम पर ले रखी थी। आज पुलिस ने इस जमीन को कुर करके इस पर सरकारी बोर्ड लगवा कर डुगडुगी पिटवा दी। थाना नैनी क्षेत्र में एक कार्रवाई की जा रही है, जो ये यहाँ पे पुलिस आयुक्त महोदय के आदेशानुसार एक 2 प्लाटों की कुर्की की गई है। धारा 14 एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत ये अतीक अहमद के द्वारा अपने एक परिचित श्यामजी सरोज के नाम से बेनामी के रूप में ये खरीदी गई थी और उसी को 14 एक के अंतर्गत कुर्क किया गया है, जिसकी बाजारों कीमत वर्तमान में लगभग 6 करोड़ रुपए। माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद भी उसकी अवैध और बेनामी संपत्तियों पर कार्रवाई जारी है। अब तक पुलिस ने अतीक की 1000 करोड़ की संपत्तियों को अटैच किया है। इसी कड़ी में प्रयागराज की कैंट पुलिस ने माफिया अतीक की एक और बेशकीमती जमीन को गैंगस्टर की धारा में कुर्क कर लिया। इस जमीन पर पुलिस ने कुर्की का बोर्ड लगाकर माइक से कुर्की की जानकारी लोगों को दी। गैंग लीडर अभियुक्त अतीक अहमद पुत्र स्वर्गीय हाजी फिरोज निवासी 95D/15 चकिया खुल्दाबाद मृतक थाना खुल्दाबाद जनपद प्रयागराज व 52 कसारी मसारी थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज के द्वारा अपराध जगत से अर्जित धन व रसूख का इस्तेमाल करते हुए बेनामी संव्यवहार के रूप में अर्जित अचल संपत्ति आराजी संख्या 97 रकबा 0.2050 हेक्टेयर का 1/2 भाग रकबा 0.1025 हेक्टेयर ग्राम मीरकपुर ऊपरहार तहसील करछना प्रयागराज को माननीय न्यायालय पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा वाद संख्या CP 2024-009N/24 में पारित निर्णय आदेश दिनांक। प्रयागराज के नैनी इलाके में अतीक की ये जमीन 1550 वर्गज के करीब है, जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ के आसपास है। अतीक ने ये जमीन किसी श्याम जी सरोज के नाम से खरीद कर रखी थी। पुलिस को इसकी जानकारी हुई तो इसकी गोपनीय जांच की गई, जिसमें ये पता चला कि अतीक इस जमीन पर नदी किनारे होने के कारण फार्म हाउस बनवाना चाहता था। अब पुलिस ने इस जमीन को कुर्क कर लिया। एडिशनल DCP श्वेता पांडे का कहना है कि कैंट पुलिस की विवेचना में अतीक की अवैध संपत्तियों का पता चला था, जिसे अतीक ने दूसरे के नाम करा रखी थी, इसलिए इस पर आज कुर्की की कार्रवाई हुई है। प्राप्त हुई थी कि थाना नैनी क्षेत्र के ये जो नव विकसित क्षेत्र है, यहाँ पर एक प्लॉट है, एक एरिया है जिसमें 2 प्लॉट हैं और वो दोनों प्लॉट जो है अतीक अहमद के द्वारा अपने किसी एक परिचित के नाम से बेनामी तरीके से खरीदा गया है। इसमें हम लोगों के द्वारा राजस्व टीम से समन्वय स्थापित करके सारा डेटा इकट्ठा किया गया, तो ये पता चला कि ये अतीक अहमद द्वारा अपने एक परिचित के माध्यम से जिसका नाम श्यामजी सरोज है उससे बेनामी संपत्ति ली गई थी, उसी को 14(1) के अंतर्गत माननीय पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा कुर्क किया गया है। और टोटल इसमें दोनों प्लाट मिला के 1344 वर्ग मीटर के हैं और इनकी जो वर्तमान में सरकारी मालियत और जो मार्केट वैल्यू है वो लगभग 6 करोड़ की है। और इस तरह की जो उनके संपत्तियां हैं उसको भी चिन्हित करके किया जा रहा है। अभी 14(1) की कार्रवाई, चूँकि मुकदमा अभी प्रचलित है गैंगस्टर एक्ट का, और जहाँ भी हमें सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ इनके द्वारा जो है बेनामी रूप से संपत्ति अर्जित की गई है उसको हम चिन्हित कर रहे हैं, उसमें अभी भी और भी कार्रवाई प्रचलित है और आगे भी इसी तरह की 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई।